बनाया जा रहा है। हमारे बहुत सारे बेनिफिशरीज रहते हैं, अभी जैसे रिसेंटली सदर मैम के साथ मैंने एक रिसेंट केस था जो सुरन कोर्ट में था, वहां पे एक लड़की की एफआईआर लगाने में मुश्किल हो रही थी, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो 6 months प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन उसके बावजूद किन्हीं वजूहात के कारण जो पुलिस थी वो रजू नहीं कर रही थी, वो मैटर टेकअप नहीं कर रही थी। मैं जब ICPS वालों ने LADC को डालसा को जब अप्रोच किया, हमने हमारे वहां पे कंसर्न जो PMPs थे हमने उनके साथ रब्ता किया, हमने डायरेक्ट SHOs और वुमेन इंचार्ज को कॉल किया, तो आप बिलीव करेंगे कि कल की डेट में वहां से मैसेज आया कि हमारी FIR जो है वो लॉन्च हो गई है, इसमें काम हो रहा है। ये छोटी सी एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इस सुरन कोर्ट का मैटर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम एडवोकेट नहीं कर सकते, तो उनको हमने एक आश्वासन दिया है कि हम आपको एडवोकेट देंगे, इसी अथॉरिटी के तहत जो हम आपको एडवोकेट देंगे। दूसरा उनकी और परेशानी है, जैसे काफी ने मुझे ये कहा है कि क्योंकि वो यहाँ पर बंद हो गए हैं, उनका कहीं जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है या किसी उनका कोई लेन देन था तो अंदर आ गए हैं, तो वो है। और काफियों के ये है कि बैंक में से वो पैसा निकालना चाहते हैं, उसमें कुछ इम्प्लाई भी हैं, ठीक है, तो उनका कुछ सब्सिस्टेंस लोन्स है या कुछ पेंशनर थे, तो उनको उनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई है, तो वो ये अथॉरिटी उसका भी निपटारा करेगी। तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हमारे छोटे और जो लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो एक अवेयरनेस कैंपेन है, तो जहाँ तक हो सकता है जितना आपको समझ है, आपकी समझ है में आ रहा है, या हमसे जब हम चले जाएंगे तो और यहाँ पर अथॉरिटी वाले बैठे हैं, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, तो ये आगे लोगों को अवेयर करें कि किसी का कोई लैंड का डिस्प्यूट है, कोई छोटा मोटा किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा, या किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, या कोई पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा, या कोई किसी का कोई कार्ड नहीं बन रहा, कोई आधार कार्ड नहीं बना रहा, या कोई डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है किसी स्कीम के लिए वो एंटाइटल्ड है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो प्री लिटिगेशन में हमारे पास आ सकता है। हमारे PRB उसके बिहाव पर एप्लीकेशन लिखेंगे, हम कंसर्न अथॉरिटीज को नोटिस तक करेंगे और उनको बुला करके आपका जो मैटर है उसको रिड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बेसिकली 2-3 पर्पज हैं। उसके बाद आगे एक अवेयरनेस, लोगों में मैक्सिमम अवेयरनेस दी जाए, लोगों को पता लगे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नाम की भी कोई चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए यहाँ बैठे और उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। अब जब LADC की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकम बात करके इस इनकम के लोग जो हैं वह यहाँ पे आकर के बेनिफिट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। बट जब LADC की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी अगर बंदा है तो उसमें इनकम बार खत्म हो गया। अगर इफ ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू एंगेज एन एडवोकेट।